प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस यूट्यूब चैनल के द्वारा स्वागत करता हूँ। आज आपके सामने एक सुंदर वचन बताना चाहता हूँ, वो है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 10 वचन 7 में इस तरह लिखा है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यहाँ यीशु मसीह कहते हैं, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, आई एम द गेट फॉर द शीप। देखिए, हमारे घर के पास कुछ चरवाह रहते थे। हर एक चरवाह को 50 या 100 भेड़ बकरियाँ उनके साथ रहते थे, और सुबह वो चरवाह एक लकड़ी पकड़कर उन भेड़ बकरियों को चारा के लिए लेके जाता था। शाम के समय घर वापस लौटता था और उन भेड़ों के लिए एक शाला बनाया है, चारों ओर लकड़ियाँ डालकर फेंसिंग डाला है, और बीच में उसने एक गेट बनाकर रखा है। क्या है? द्वार, ताकि भेड़ अंदर जा सके, बाहर आए। कई लोग घर के आस पास कॉम्पाउंड वॉल बनाते हैं और सामने गेट रखते हैं, ताकि अगर कोई अंदर आना चाहे तो घर के बाहर कॉलिंग बेल मारे। यहाँ प्रभु कहते हैं, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, आई एम द गेट। यीशु मसीह संसार में क्यों आया है पता है? ताकि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, यीशु मसीह पर विश्वास रखे, अनंत जीवन पाए, इसीलिए प्रभु इस संसार में आया है। आज कई लोग कहते हैं, भाई हमारा विश्वास हमारा है, आपका विश्वास आपका है, आप हमें कुछ मत बताइए, हम सब कुछ जानते हैं, यीशु मसीह के बारे में मत बताइए, इस तरह लोग कहते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा, मैं ही द्वार हूँ, मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही जीवन हूँ, बिना कोई मेरे द्वारा पिता के पास नहीं जा सकता। देखो, अगर घर के अंदर प्रवेश करना है तो गेट खोल कर ही जाना है। अगर व्यक्ति गेट के अंदर से जाए बिना दीवार कूद के जा रहा है तो उसे चोर और डाकू कहते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा, मैं ही मार्ग हूँ। आज कई लोग कहते हैं, जिस विश्वास में भी आप रहो कोई बात नहीं, आपका विश्वास पे आप खड़े रहिए, एक दिन सब लोग एक ही जगह हम मिलेंगे। क्या ये सही है? अगर ये सही है तो यीशु मसीह को क्यों इस संसार में आना पड़ा? क्यों क्रूस में हमारे पापों के लिए अपना जान बलिदान की तरह देना पड़ा? क्यों यीशु मसीह को उतने निंदा अपमान और उस समय क्रूसीकरण ये सब सहना पड़ा? फारसी याजक सब लोग गाली देने लगे, डांटने लगे, ये सब निंदा क्यों? क्योंकि मनुष्य पाप कर रहा था, मनुष्य परमेश्वर की बात नहीं मान रहा था, इसीलिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को इस संसार में भेजा है, ताकि जो कोई उनके ऊपर विश्वास रखे वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। देखिए जी, आज क्यों मैं ये वचन आपके सामने बता रहा हूँ पता है? यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही द्वार है। कुछ दिनों के पहले एक ब्रदर ने फ़ोन करके बताया, भाई मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मैं जिस चर्च को जाता था वो पास्टर जी गलत शिक्षा दे रहे हैं, हमारे पास श्यूरिटी लिया है घर बनाने के लिए, 9 महीने उन्होंने लोन भरा है, उसके बाद लोन भरना छोड़ दिए है, हम पर डाल दिए, और उन्होंने कहा मैं सेवक हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम मेरा घर का लोन का पैसा EMI बंद हो, कहते हुए हम पर छोड़ दिया। हमने 4 लाख रुपए कर्ज पेड़ा है। उसके बाद अब वो पास्टर जी गलत शिक्षा देते हैं, कहते हैं कि आप अपनी बेटी को अन्य जाति का लड़का से शादी करवाइए, वो डॉक्टर है, और आप दहेज दीजिए। एक विश्वास या अविश्वास से मिलना गलत है, ये मैंने बताया है। लेकिन वो पास्टर जी ने कहा, तुम्हें शैतान पकड़ा है, तुम मेरी बात नहीं मानते, कहते हुए मुझे चर्च में से बाहर निकाल दिए। अब मेरी पत्नी, मेरी बेटी हर संडे उसी चर्च को जाते हैं, गलत शिक्षा में है। मैंने कहा ये गलत है, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानते, मुझे संडे के दिन कमरे में ताला लगा के चले जाते हैं। और मैंने बहुत बार कहा वो गलत शिक्षा है, कि बातों में मत आना, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इसीलिए प्रभु ने कहा, मैं ही द्वार हूँ, भेड़ों का द्वार प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह के नाम पर कई लोग आकर आज झूठी शिक्षा दे रहे हैं, पैसों के लालच में लोगों को भरमाते हैं,
सत्य को असत्य के रूप में आपके सामने बताते हैं, इन बातों पर आप सावधान रहिए। गलत शिक्षा देने वालों के पास मत जाना। जो भी एक सेवक बताता है क्या वो बाइबल में लिखा है नहीं है, आप एक बार चेक करना ज़रूरी है। प्रेरित पौलुस जब वचन सुना रहे थे गांव-गांव जाकर, तब बेरिया नामक एक गांव के लोग जो भी बातें पौलुस बोल रहा था उन्होंने उस बातों को पवित्र शास्त्र में पढ़कर जांच कर पौलुस को परखा कि जो वो बातें वो बोल रहा है ये सही है गलत है। आप भी जब पास्टर जी चर्च में कुछ बातें बोलते हैं तब आपको एक बार चेक करना ज़रूरी है, क्या ये वचन में लिखा है, क्या ये सही है या गलत है, एक से दो बार चेक करना ज़रूरी है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। आज सत्य पर कोई मन नहीं लगाते। अगर एक सेवक पूरे मन से पवित्र आत्मा से सच्चाई प्रकट करता है तो उसे ढकेल देते हैं। झूठ, पैसा, नाम और धोखा देना, यही आज कई लोग कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं प्यारे भाइयों और बहनों, सेवकाई में कभी भी आप गलत शिक्षा देने वालों के पास, पैसों की लालच के साथ सेवा करने वालों के पास ये रीति रिवाज करो, इस तरह गलत रास्ते में चलाने वालों से दूर रही है। बाइबल पढ़िए, पवित्र आत्मा की गाइडेंस लीजिए, परमेश्वर से पूछिए परमेश्वर क्या ये सही है गलत है। अगर आपके पासवान गलत शिक्षा देते हैं तो उनको समझाइए, पास्टर जी ये गलत है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। अगर वो मानते हैं तो परमेश्वर की स्तुति हो, अगर नहीं मानते हैं तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रेरित पौलुस ने एक बात कहा, आइए उस वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों की काम पुस्तक अध्याय 20 वचन 29 में इस तरह लिखा है, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िया तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे, तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसीलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। यहाँ पौलुस भी कहता है मेरे जाने के बाद कई बेड़िया आएंगे जो झुंड को तीतर बीतर करेंगे अपनी टेढ़ी मेढ़ी बातों से, गलत बातों बताकर लोगों के विश्वास को बरमाएंगे। इन दिनों में सोशल मीडिया में कई लोग परमेश्वर का वचन को लॉजिकली बताकर सच्चाई को झूठ से मिला रहे हैं, और कुछ लोग सांसारिक बातों को लाकर देखो यहाँ युद्ध हुआ है, वहाँ ऐसा हुआ है, परमेश्वर का आगमन हो जाएगा, इस तरह लोगों को डरा रहे हैं। कि एक विश्वासी को डराने के द्वारा क्या लाभ है, कुछ लाभ नहीं है, लेकिन उसको प्रभु यीशु मसीह के प्यार, शांति, समाधान, दया, करुणा, ये सब बातों को अगर लोगों को हम सिखाएंगे, यीशु मसीह की तरह एक व्यक्ति अपना जीवन बिताएगा तो उसे किसी बातों पर डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर दूसरी आगमन भी आए, अगर युद्ध भी हो, अकाल भी हो, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर उसको स्थिर रखेगा और वो व्यक्ति अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह के चेलों ने एक बार प्रभु से आकर कहा, हे प्रभु, तेरे नाम पे हमने दुष्ट आत्माओं को भगाया है, लोगों को चंगा किया है, तेरे वचन सुनाया है। तब प्रभु ने कहा, तुम इन बातों के लिए संतुष्ट मत रहिए, लेकिन इस बात के लिए खुशी करना कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया, तुम्हारे नाम बुक ऑफ लाइफ जीवन की पुस्तक में स्वर्ग में लिखा हुआ है, इस बात के लिए खुशी मनाओ। देखो, जितना भी सुसमाचार हम प्रचार करें, लोगों को चंगा करें, ये सब परमेश्वर की दी हुई वरदान है। इन वरदानों को देखकर अपने आप पर फूलने से कोई लाभ नहीं है। कल प्रभु यही चाहता है कि जिन लोगों ने मेरे बातों पर विश्वास की है ये लोग सब स्वर्ग में रहना है, यही प्रभु की आशा है। आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपने कहा भेड़ों का द्वार मैं ही हूँ, बिना आपके द्वारा कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आज कई लोग समझते हैं कि मुझे पता है प्रभु के बारे में, लेकिन आपने कहा जो भी बंदा कहता है हे प्रभु वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन जो परमेश्वर की बात मानता है, तेरे वचन के अनुसार जीता है, वही अनंत जीवन पाएगा। आज मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी विश्वासी ये वचन सुनते हैं अपने आप को सुधारने के लिए, तेरा वचन पढ़कर सही शिक्षा में, सही रास्ते में चलने के लिए सहायता कर। मेरी बात सुन, मेरे मार्ग में चल, सच्चाई को जान, गलत शिक्षा से दूर रह, वचन पढ़,
प्रार्थना कर और पवित्र आत्मा की गाइडेंस ले ताकि हर विषय में मैं सहायता करूँगा। परमेश्वर ये प्रार्थना सुनिए और हमें आशीष दीजिए। यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमेन।